और बनने खोआ बनने के बाद कुछ इस प्रकार का दृश्य होगा। हमने इसका टेस्ट किया, बहुत ही काफ़ी टेस्ट अच्छा लगा है दोस्तों। तो दोस्तों अभी यहाँ से हमने चाय लिया, चाय का ऑर्डर किया, तो देख रहे हैं कि चाय मटका में मिला है, बहुत देख रहे हैं डबक रहा है कैसे खोआ, ये दूध हो गया। कलर जो देख रहे हैं इसका, इसमें कुछ नहीं मिला है, दूध और चीनी, मात्र दूध और चीनी का ये खोआ ओरिजिनल होता है, जो कि बहुत ही काफ़ी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं सुगौली सिकराहना पुल के पास में। तो अभी हम दिखाने वाले हैं यहाँ का फेमस चीज़ जो कि चाय और खोआ बनती है। तो देख रहे हैं कैसे कढ़ाई में यहाँ पर दूध को जलाया जा रहा है, देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो है दूध को जलाकर और ओरिजिनल खोआ तैयार किया जाता है, जो कि बिना चीनी और चीनी वाला खोआ बनाया जाता है। जो कि अभी रेट के बात करें तो आपको हम बता रहे हैं कि इसका प्राइस कितना है, तो बता रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर खोआ तैयार हो चुका है, तो यहाँ खोआ देख रहे हैं बन रहा है, और हम भाई से पूछ रहे हैं, भाई तो बता सकते हैं आपका कि यहाँ खोआ का रेट कैसे है, कैसे के जी है? 500 साढ़े 400, यानी बिना चीनी का कितना पड़ेगा? 500। तो यहाँ सभी दुकान, जितना भी यहाँ पे दुकान है, सब में खोआ मिलती है? टोटल दुकान मिलती है। हाँ, तो एक चीज बता रहे हैं कि जो खोआ आप देख रहे हैं यहाँ बन रहा है, कैसे यहाँ पूरा बहुत ही मेहनत लगता है इसको बनाने में, बहुत टाइम लगता है बनाने में, इसलिए इतना महंगा है। और जितना भी यहाँ पे आस पास में दुकानें आप देख रहे हैं दोस्तों, तो अभी हम इस सुगौली के सिकराना के पास में रोड है, और यहाँ पर देख रहे हैं जितना भी दुकानें हैं, सब चारों तरफ हर दुकान में एकदम आपको खोआ मिल जाएगा। और देख रहे हैं बहुत दूर दूर से यहाँ गाड़ी, जो भी हर जगह से जो भी गाड़ी आती है, तो इस दुकान के आसपास में गाड़ी रुकती है, और गाड़ी रुकने के बाद में यहाँ पर चाय और खोआ का आनंद लेते हैं दोस्तों। तो ये हो गया, आपको अगर यहाँ पर आ रहे हैं कहीं भी रक्सौल से आ रहे हैं, तो रक्सौल से आने के बाद में आप सिकराहना नदी के पास में आकर रुक जाएंगे और यहाँ पर चाय और खोआ का आनंद लेंगे। तो दोस्तों अभी हम सिकराहना सुगौली पुल के पास में हैं, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं लाल पारसा, रामगढ़वा, रक्सौल, और यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जो कि यहाँ पे खोआ और चाय बहुत ही स्पेशली मिलती है। देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर, यानी कारें, और ये रोड हो गया मेन रोड, आपको दिखा रहे हैं पास ही में, आपको आगे जो है जो लाइट बढ़ रही है वो हो गया सिकराहना पुल। और यहाँ पर गाड़ी देख रहे हैं जो लगता है कि बहुत दूर दूर से जो भी गाड़ी आती है, जिसको पता रहता है, यहाँ रुक कर चाय और खोआ का आनंद लेते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पर खोआ जो है बहुत ही अच्छा मिलता है यहाँ पर दोस्तों, देख रहे हैं दुकानें लाइन से लगी हुई है। तो अभी हम दिखा रहे हैं खोआ का निर्माण हो रहा है, कैसे निर्माण होगा दिखा रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी यहाँ से हमने चाय लिया, चाय का ऑर्डर किया, तो देख रहे हैं कि चाय मटका में मिला है, बहुत ही काफ़ी देख रहे हैं मटका जो है बहुत खूबसूरत दिख रही है चाय, और चाय पीकर हम टेस्ट करके बताने वाले हैं। तो यहाँ दुकान हो गया देख रहे हैं यहाँ पर, यानी खोआ और चाय का स्पेशली दुकानें हैं, और हम लोग यहाँ से खोआ कुछ लिए और चाय, और बीच में आपको हाईवे जो कि गैस एजेंसी गाड़ी जो है जा रही है आपको रक्सौल बॉर्डर, और अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। देख रहे हैं डबक रहा है कैसे खोआ, ये दूध हो गया। कलर जो देख रहे हैं इसका, इसमें कुछ नहीं मिला है, दूध और चीनी, मात्र दूध और चीनी का ये खोआ ओरिजिनल होता है, जो कि बहुत ही काफ़ी खूबसूरत होता है। और बनने खोआ बनने के बाद कुछ इस प्रकार का दृश्य होगा। हमने इसका टेस्ट किया, बहुत ही काफ़ी टेस्ट अच्छा लगा है दोस्तों। तो अगर आप सुगौली के आसपास आते हैं, सुगौली सिकराना के पास आते हैं, तो आप आकर यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया खोआ आपको, जो कि ओरिजिनल दूध और चीनी का बनाया गया है, बहुत ही काफ़ी खूबसूरत खोआ है। तो वीडियो बने के धन्यवाद। आप देख रहे हैं रक्सौल आइकॉन, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल रक्सौल आइकॉन। जय हिंद, जय भारत।